सो है दोस्तों, फाइनली रियलमी ने अपना 64 मेगापिक्सल कैमरा टेक्नोलॉजी को शोकेस कर दिया है 8 अगस्त। और दोस्तों साथ ही साथ ये चीज़ भी कंफर्म हो चुका है, रियलमी की तरफ से 3 और स्मार्टफोन आएगा जिसमें भी आपको क्वाड कैमरास मिलेगा, जो कि होगा रियलमी 5, 5 प्रो एंड रियलमी एक्स सीरीज़ के अंदर रियलमी एक्स प्रो हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी 5 प्रो के बारे में, इस फ़ोन में आपको क्या कुछ फीचर स्पेक्स मिलेगा, कब तक ये फ़ोन आएगा इंडिया में एंड दोस्तों प्राइसिंग क्या होगा इस फ़ोन का, सारी डिटेल इस वीडियो में। सो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है रियलमी अपना 3 स्मार्टफोन लॉन्च करेगा दिवाली के आगे, और इन तीनों फोन्स में ही आपको क्वाड कैमरास मिलेगा, लेकिन जो 64 मेगापिक्सल सेंसर होगा ये आपको रियलमी 5 प्रो में दिखने को मिलेगा। दोस्तों इस फोन की अगर डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो रियलमी की बाकी डिवाइस की तरह ही आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलेगा ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ, क्वाड कैमरास पीछे दिखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, इन डिस्प्ले होगा या तो फिर आपको रियर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों वाटर ड्रॉप लाइक नॉच मिलेगा रियलमी 5 प्रो में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे वाटर ड्रॉप लाइक नॉच डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, और इसी के साथ मिलेगा आपको 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ फुल एच डी प्लस डिस्प्ले, और अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिखने को मिलता है तो दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले दिखने को मिलेगा रियलमी 5 प्रो में। दोस्तों यहाँ पे जो चिपसेट दिखने को मिल सकता है आपको रियलमी 5 प्रो में मीडियाटेक हीलियो G90T चिपसेट के साथ दिखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको स्नैपड्रैगन 730 ऑक्टाकोर चिपसेट के साथ दिखने को मिलेगा। और गाइस 4 128GB, 6 128GB एंड 8 with 256GB वेरिएंट के साथ दिखने को मिल सकता है। दोस्तों रियलमी 5 प्रो में आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा या तो फिर आपको सिर्फ डुअल सिम का ही सपोर्ट मिलेगा, इसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें आपको सिर्फ डुअल सिम का ही सपोर्ट मिलेगा रियलमी एक्स की तरह। और दोस्तों साथ ही साथ अगर बैटरी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 4045mAh बैटरी के साथ वूक चार्जिंग 3.0 USB टाइप सी के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आपको फर्स्ट चार्जर दिखने को मिलेगा लीक्स के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉयड 9.0 एंड जो एकदम फ्रेश इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इस फोन में इस बार आपको कलर ओएस नहीं मिलेगा, इस फोन में आपको इस बार मिलेगा रियलमी का अपना खुद का ओएस जो कि होगा रियलमी ओएस। और दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इस बार आपको रियलमी यूजर इंटरफेस के साथ रियलमी का स्मार्टफोन दिखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात करेंगे इस फोन की कैमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे रियर माउंटेड 4 कैमरा मिलेगा जिसका मेन सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल, आईसोसेल सैमसंग GW1 ब्राइट सेंसर के साथ दिखने को मिलेगा, और बाकी जो 3 सेंसर होगा यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस एंड दोस्तों यहाँ पे एक मैक्रो लेंस दिखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 20 से लेकर 25 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही कुछ फीचर के साथ रियलमी 5 प्रो आएगा बहुत ही जल्दी, ऑफिशियल कंफर्मेशन के हिसाब से दोस्तों दिवाली के आगे लॉन्च होगा, यानी कि अक्टूबर लास्ट वीक तक आपको दिखने को मिलेगा रियलमी 5 प्रो इंडिया के अंदर, जो प्राइस हो सकता है दोस्तों यहाँ पे 20 से लेकर 25,000 के आसपास में दिखने को मिलेगा रियलमी 5 प्रो का बेस वेरिएंट स्टार्टिंग। तो दोस्तों बाकी आप नीचे कमेंट करके बोलो अपना थॉट, अपना ओपिनियन इस फोन के बारे में, किस प्राइस में हो सकता है लॉन्च रियलमी 5 प्रो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को। सो थैंक you, goodbye and take care.